हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है वो एकदम छोटा सा है, सिर्फ छोटा सा ही वीडियो है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है कि उसका मोबाइल से एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है। सो मेरा जो मोबाइल है, मेरा मोबाइल में से भी एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है। ये हालांकि पिछले 10 दिन या एक सप्ताह से ये प्रॉब्लम हुआ है। सो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है और इसका वजह क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम हुआ है। उससे पहले आपको कन्फर्मेशन के लिए एक सेटिंग कर लेना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको आपका जो एसएमएस वाला ऑप्शन है, मतलब एसएमएस वाला ऐप से, इसमें आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इन्फॉर्मेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड कैच बोल के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर जो कैच वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके कैच करना है और आप चाहे तो क्लियर डाटा भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो एसएमएस सेट नहीं होने का प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कुछ मैसेज नॉट सेंड बोल के एक ऑप्शन आपके मोबाइल पे आया है। सो ये जो प्रॉब्लम है इसका सिंपल सा एक रीज़न है। सो इसका रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर जिन लोगों ने ये कमेंट मुझे किया है, हो सकता है कि वो जियो सिम का यूज़ करते हैं, मतलब जियो में एक ऐसा ऑफर आया है, आपने जो प्लान भरा था वो ख़त्म हो गया है कुछ दिनों से, और जियो ने एक न्यू ईयर का ऑफ़र दिया है कि 98 रुपीज़ का 14 डेज वाला वैलिडिटी का एक ऑफर दिया है, जिसके बदले नहीं है फिर भी आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, आपको डाटा मिल रहा है और कॉल इनकमिंग आउटगोइंग कॉल दोनों हो रहा है, लेकिन एसएमएस नहीं दिया। इसमें एक प्रॉब्लम है, एसएमएस नहीं दिया है। इसलिए हमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जियो से एसएमएस किसी को भेजा है वो एसएमएस सेंड नहीं हुआ है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो आपका पैक के वजह से हुआ। आप चेक कर सकते हैं आपका जो जियो का बैलेंस है वो अभी फ्री बैलेंस चल रहा है, आपका जो प्रीमियम वाला बैलेंस है वो ख़त्म हो गया है। यही रीज़न है कि आपका मोबाइल से एसएमएस नहीं जा रहा है। मेरा भी ये रीज़न था जो मुझे आज ही पता चला। तो गाइस, इस वीडियो में दिखाना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए